नमस्कार फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर गुंजन गुप्ता गोविंद आई वी एफ एंड टेस्टिव बेबी एक्सपर्ट डायरेक्टर एंड फाउंडर गुंजन आई वी एफ वर्ल्ड आज हम लोग बात करेंगे आई वी एफ सिम्टम्स की आई नो इट इज अ मोमेंट ऑफ मिक्स फीलिंग्स जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर का मोमेंट प्लान होता है बिकॉज You've gone through the injections. You've gone through multiple ultrasounds, consultations, so many decision making, and finally the moment comes jab you are planned for a embryo transfer. और embryo transfer के time बहुत सारी mixed feelings होती हैं। हमें excitement भी होता है, एक fear, एक scare भी होता है, एक खुशी भी होती है, because इसके बाद एक 12 से 14 दिन का period होता है, जिसमें I am waiting.

द प्रेग्नेंसी सिम्टम्स गोइंग टू बी क्या सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्या हम प्रेगनेंट हो सकते हैं वेल well, इस चीज़ की शुरुआत में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि देर आर नो गुड और बैड सिम्टम्स ऐसा कोई सिम्टम नहीं है जो बहुत गुड सिम्टम होता है जो बताता है कि हंड्रेड परसेंट यू आर प्रेग्नेंट एंड सिमिलरली दे आर नो बैड सिम्टम्स विच सजेस्ट कि देर इज नो प्रेगनेंसी सो ऑल यू हैव टू बी इज बी रिलैक्सड Be patient with yourself, be gentle with yourself while you are waiting for this moment. Huh, there can be some guiding symptoms which we can take into consideration when we are waiting for the test result, which will be done around 12 to 14th day post transfer. सो so, एक फर्स्ट सिम्टम जो आपको इंडिकेटिव हो सकता है प्रेगनेंसी के, के लिए एंड दैट इज़ सरप्राइजिंगली अ स्लाइट अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग और स्पॉटिंग इफ़ यू हैव अराउंड अ वीक आफ्टर ट्रांसफ़र अब ये सिम्टम क्यों होता है ये सिम्टम इसलिए होता है जो एम्ब्रियो होता है वो हमारे गर्भाशय या यूट्रस के वॉल में जब घुसता है अपने पैर पसारता है वो एक तरह से अपनी जगह बनाता है तो समटाइम्स वो जो हमारे फाइन वेसल्स होते हैं यूट्रस के वॉल के उनको वो पेनीट्रेट कर देता है और जिसकी वजह से माइल्ड ब्लीडिंग हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है जो आप अपने पैंटी लाइनर पे या अपने आप को टिश्यू से वाइप करते हुए नोटिस कर सकते हैं सो इफ द सिमटम इज़ देयर इट इज़ अ सिम्टम विच मे इंडिकेट दैट द प्रेगनेंसी इज़ राउंड द कॉर्नर द नेक्स्ट सिम्टम कैन बी क्रैम्पिंग या हेवीनस इन लोअर एबडोमिन मतलब नीचे के हिस्से में या जो हम पेड़ू वाला हिस्सा कहते हैं उसमें कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि आपकी क्रैम्पिंग हो रही हो या फिर पीरियड आने से पहले वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो कभी कभी हमें फील हो सकते हैं बट ये जो हमारे प्रोजेस्ट्रॉन हारमोन के इंजेक्शन्स वगैरह लग रहे हैं इसकी वजह से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं बट हैवीनस या क्रैम्पिंग होने से घबराने की ज़रूरत नहीं है दैट मे बी अ नॉर्मल सिम्टम ऑफ़ प्रेगनेंसी ऑल्सो थर्ड सिम्टम इज़ फटिक हमें टायर्डनेस महसूस करना या थकान महसूस होना या फिर थोड़ा काम करके हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं दीज आर ऑल्सो नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी सो अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दो ये सिम्टम्स अगेन कैन ऑल्सो भी ड्यू टू हार्मोन इंजेक्शंस या प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट जो आई के बाद दिया जाता है उसकी वजह से भी ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं सो एज वी सी द सिम्टम्स आर अ बिट डाइसी बट दे कैन बी इंडिकेटिव एंड नेक्स्ट सिम्टम होता है द ब्रेस वो जो है टेंडर या पेनफुल हो जाते हैं अगेन दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं या फिर ड्यू टू प्रोजेस्ट्रोल्स ऑल्सो द ब्रेस्ट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज वो थोड़े बड़े हो जाते हैं सेंसिटिव टू टच हो जाते हैं और टच करने पे दर्द महसूस होता है अगर ऐसा कुछ भी हो तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है इट माइट बी अमल सिम्टम ऑफ योर प्रेगनेंसी अब आता है बड़ा कॉमन सिम्टम नोजिया मतलब उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टियाँ आना क्या ये इतनी अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स हो सकता है जनरली नहीं नोज़िया यूजुअली एक लेट सिम्टम होता है मतलब एक बार आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं आपका थोड़ा सा समय हफ्ते दस दिन प्रेगनेंसी में निकल जाते हैं उसके बाद यूजुअली ये सिम्टम आता है सो so, अगर आपको वॉमिटिंग्स फील हो रही हैं या आपको ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर लें जैसे कि वो देख सकें कि आपको क्यों हो रही है बट हाँ दवाइयों की वजह से किसी किसी सेंसिटिव लोगों को थोड़ा बहुत नोजिया हो सकता है बल्कि इसकी जगह जो आपको सिम्टम हो सकता है वो हो सकता है एक्सरसाइज एक्सेसिव सलाइवेशन हमेशा मुंह में थूक आना या लगना जैसे थूक आपको आ रहा है दैट माइट बी सिमटम विच में बी एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी अगेन अनदर सिमटम विच वी कैन गेट इज दैट बी एन इंक्रीज नीड टू गो टू द वॉशरूम फॉर पी यानी आपको बार बार यूरिनेशन या सुसू करने जाने की ज़रूरत पड़ सकती है दिस इज़ अमल सिम्टम वाई बिकॉज़ आपका जो होता है जो गर्भाशय है या यूट्रस वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है वो साइज में बढ़ना शुरू हो जाता है तो इस वजह से आपका जो ब्लैडर है या पेशाब की जो थैली होती है उस वो इरीटेट होती है एंड इसलिए आपको बार बार यूरिन करने की इच्छा हो सकती है दूसरी चीज़ है कि हम जनरली बोलते हैं कि आप हाइड्रेशन अच्छा रखिए और पानी पीजिए इस वजह से भी कभी कभी वॉशरूम की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है मगर इस चीज़ में क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि अगर आपको यूरिन करने के साथ पेन हो रहा है या फिर आप यूरिन करने जा रहे हैं बट आपको यूरिन नहीं आ रहा है या फिर आपको जलन हो रही है यूरिन पास करने में या फीवर है तो ये सिम्टम्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई के हो सकते हैं और ऐसे में डू कंसल्ट योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे माइट बी चेंजेस इन विजाइनर डिस्चार्ज जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में क्लियर कलरलेस डिस्चार्ज आपको हो सकता है उससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है ये इस वजह से होता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उस समय हमारा ब्लड फ्लो ऑफ द वजाइना बढ़ जाता है ये नेचुरल चेंज है प्रेगनेंसी का जिस वजह से डिस्चार्ज बढ़ जाता है बट अगेन अगर ये डिस्चार्ज वाइट कलर का हो या कर्डी मतलब आप समझ लो फटे हुए पनीर की तरह हो या चीज़ी डिस्चार्ज हो या येलोइश या ग्रीन डिस्चार्ज हो और इसमें स्मेल है देन इट इंडिकेट्स इन्फेक्शन और अगर आप इन को इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ डू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड ऑफकोर्स नॉट द लीस्ट टेन टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ द पेशेंट्स पोस्ट आई वी एफ में नॉट एक्सपीरियंस एनी सिम्टम्स एट ऑल एंड देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट मतलब 10 से 15 फीसदी लोगों में हो सकता है कि कोई भी सिम्टम हो ही ना जो कि इंडिकेट करे कि आप प्रेग्नेंट हो या ना इंडिकेट करे तो so, इसमें घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं या नहीं हैं ऑल यू नीड टू बी इज़ रिलैक्सड एंड ऑफकोर्स आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको बस ये 12 दिन से 14 दिन के करीब का वेट होता है जब हम उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसको बीटा एच कहते हैं और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है अफकोर्स आई हैव मेड अनदर वीडियो ऑन हाउ टू नो दैट यू आर प्रेगनेंट अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन माई चैनल गुंजन आई वी एफ वर्ड आई वी एफ रिलेटेड प्रेगनेंसी में क्या चीज़ बस इंपॉर्टेंट होती है इज मोर अबाउट द अवेयरनेस रूटीनली हमें इस समय पता ही नहीं होता है अगर हम नॉन आई प्रेगनेंसी में होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं क्योंकि इस पीरियड में हम कॉन्शियस होते हैं इसलिए हमारी सेंसिटिविटी बढ़ी होती है बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन से सिम्टम्स हैं अगर हूँ तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट द डॉक्टर क्योंकि ये सिम्टम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के हो सकते हैं दैट इज़ अगर आपको पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ लग रहा है आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग्स हो रही हैं आपको सांस लेने में कोई तकलीफ़ है आपको नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द है कोई भी इस तरह के सिम्टम्स हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर दे विल चेक ज़्यादातर ओ एच एस एस अगर होता भी है तो बहुत माइल्ड होता है एंड ईजिली सेटल हो जाता है और यह भी प्रेग्नेंट अगर आपकी प्रेगनेंसी होती है तो इसकी टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है इन पीपल हु आर लाइकली टू हैव इट सो अगर आपके ऐसे कोई सिम्टम्स हैं डू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो ऑन प्रेगनेंसी सिम्टम्स इन आई पसंद आया होगा एंड यू विल फाइंड इट यूजफुल इफ़ यू रियली लाइक प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गुंजन आई वी एफ वर्ल्ड Thank you.